बात एक दशक पहले की है। कॉलेज में ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे थे, तभी हल्ला हुआ कि एक छात्र नकल करते पकड़ा गया। फ्लाइंग स्क्वाड उसे पकड़े हुए था कि इतने में वह आंसर शीट के साथ बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। हालांकि गार्ड उसे धर दबोचते हैं, लेकिन वह फुर होने में कामयाब रहता है। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो अब क्राइम वर्ल्ड में नंबर वन गैंगस्टर बन चुका है, यानी लॉरेंस बिश्नोई। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर यह मंजर याद कर रुआसे हो जाते हैं। तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि वह नकलची स्टूडेंट अपराध की दुनिया में भी इतनी ही तेजी से छलांग लगाएगा। जुर्म की दुनिया में राज कर रहा लॉरेंस बिश्नोई पहली बार सलमान खान को मारने की धमकी देकर चर्चा में आया था। सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद ये नाम किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रहा। 30 की उम्र में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 50 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया का एकमात्र ऐसा गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक में 150 से भी अधिक अकाउंट है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2 दर्जन से भी अधिक फेसबुक पेज है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज व अकाउंट उसके फॉलोअर्स चलाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जेल में बंद है लेकिन फोन पर नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से ही कराता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये दबदबा है एक ऐसे गैंगस्टर का जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है और जब कभी मीडिया के सामने आता है तो मूंछ पर ताव देता है। सलमान खान को खुलेआम धमकी देकर चर्चा में आने से लेकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग करने तक लॉरेंस सबका मास्टरमाइंड रहा है। जैसा लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। जन्म 22 फरवरी 1992, शहर पंजाब का फजिलका। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी मां ने रखा था। इस नाम के पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि वह पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक दिन ये बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा मगर खेल की दुनिया में नहीं, बल्कि अपराध की दुनिया में। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह खुद पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की जमीन थी, बचपन में बेटे ने जो मांगा सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े, पहनावा आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फजिलका में की, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसने दाखिला लिया। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से उसने जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर ली। एक ऐसी एंट्री जिसमें जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट लॉरेंस बिश्नोई। इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। लॉरेंस की बचपन की ही एक आदत रही है, वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी सोपू। उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। फरवरी का महीना और साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी।
यह पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। मामला तूल पकड़ा और इधर पुलिस ने केस दर्ज किया। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वह T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में बहुत जल्द ही अर्धशतक भी लगा ली। लॉरेंस बिश्नोई के लिए चाहे जेल में कितना भी इंतजाम कर लिया जाए, वो कब और कैसे मोबाइल फोन चला लेता है ये अभी तक किसी को नहीं पता लग पाया है। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सनसनीखेज हत्या की जिम्मेदारी इसी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। लॉरेंस बिश्नोई ने बकायदा फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें सिद्धू की हत्या करने की वजह भी बताई है। जेल में रहकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की स्क्रिप्ट लिख डाली, जिसके बाद 30 राउंड फायर कर पंजाबी सिंगर का मर्डर हुआ। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने ले ली, पर इसकी साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहकर रची गई थी। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में रह रहे अपने साथी गोल्डी बरार से कई बार फोन पर बात भी की थी। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को अपराध की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काले दुनिया का बेताज बादशाह है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर्स के चेहरे छुपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश सेट्ठी, संपत नेहरा और मर चुके सुखा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेरी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर्स ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश भर के कई राज्यों में 600 से अधिक शार्प शूटर्स हर जगह तैनात हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का भी कत्ल। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में ही सीखे थे, लेकिन उसकी हनक ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना है जितना बाहर रहते हुए था। बचपन के तेज तरार लॉरेंस बिश्नोई को देखकर कांस्टेबल पिता चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर IPS ऑफिसर बने, लेकिन यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन बेटा भारत के गैंगस्टर्स की लिस्ट में अपना नाम शामिल करेगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।